नमस्कार, जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और स्टे आया था कल कि ऑल ऑपरेशन आर स्टे, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा जो मैंने बात की है एडवोकेट से वो बता देता हूँ। और जो साथी हैं, जो भाई बहन हैं, जो वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, DLA से RLA से हैं, वो उनके साथ बड़ा ये 4 महीने बहुत बड़े कठिन गए हैं। और उन्होंने काफ़ी कुछ बोला भी होगा हमारे लिए, तमाम जो जो शब्द हो सकते हैं वो यूज किए होंगे, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ चल रहा होगा ग्रुपों में भी। खैर, वो सबके अलग अलग निजी विचार होते हैं, क्या उनको ये लग रहा होगा कि हमारे वजह से वो रुक अटकी हुई है या ये था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि काउंटडाउन मई में स्टार्ट हो गया था, ये तो प्रोसेस है, एग्जाम सेल है, कोर्ट कचहरी है, इसके रिगार्डिंग हुआ था, लेकिन उन्होंने दोषी माना। खैर, कोई बात नहीं, ये तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। मैं बात करता हूँ कि ऑल ऑपरेशन आर स्टे, इसका क्या मतलब है। मैंने बात की थी सर से, तो उन्होंने यही बताया कि जो प्रोसेस एक अपने कोर्ट केस किया है उसमें जितने भी प्रोसेस हुई है उस पर स्टे है। तो अपन ने जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर स्टे, उस पर तो ऑर्डर अपन में कुछ किया ही नहीं था। तो जो DLA से RLA से हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, उनकी ज्वाइनिंग अब हो जाएगी, लगभग जनवरी के अंत तक सब तक पूरा काम हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप नई ज़िंदगी शुरुआत कीजिए, 4 महीने बड़े 4 साल के या 40 साल के बराबर गए होंगे आपके, लेकिन अब जनवरी लास्ट तक आपको सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि स्टे ऑर्डर पे आया है, जो पूरा ऑर्डर था उस पे स्टे है, जो प्रक्रिया चल रही है भर्ती प्रक्रिया उस पे नहीं है। ठीक है, अब जुड़े हुए तो सभी जुड़े हुए हैं मेरे से, तो वेटिंग में भी है, सेलेक्टेड भी हैं, पिटिशनर तो है ही हैं। तो पिटिशनर को अब इससे क्या होगा, क्या मतलब, पिटिशनर जो भी साथी हैं वो ये सोचेंगे कि अब अपने आसीन वैकेंसी निकल गई है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो RLA से DLA से उनको ज्वाइनिंग देने से अपने जो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टर्मिनेट सब था वो नीचे से था। तो ये तो DLA से RLA तो वैसे ही बढ़िया पोस्ट, बढ़िया रैंक वाले थे सब के सब, तो उनसे तो कोई फर्क नहीं है। एक ऐसा लग रहा था कि इनकी पोस्ट है दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो सीटें दी जाएगी, जो भी होगा वो शायद शेडो पोस्ट है या एक्स्ट्रा सीट बढ़ा के फिर दी जाएगी। बाकी प्रोसेस अब लंबा हो ही गया अपने आप में। तो आप सभी DLA से RLA से जो नियुक्ति इंतजार कर रहे हैं साथी, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। और बाकी किसी का कोई दोस्त नहीं था, समय का था, दोस्त था, समय बड़ा बलवान होता है, और समय जो भी है गुजर जाता है, रुकता नहीं है। ये समय था आपका, बहुत मुश्किल से गुजरा होगा, लेकिन ऐसा दौर आता रहता है, अब आगे आएगा तो आप उसमें अब सही तरीके से गुजर पाओगे, और हिम्मत भी आ गई होगी आप लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसे कि हाँ यार, इतनी मुसीबतें आ गई तो अपन इतना सहन कर लेंगे, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बाकी पॉजिटिव रहो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए। बाकी जनवरी के लास्ट तक अब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी लगभग, ये तय है। और बाकी कोई आपके गले शिकवा जो भी हो आप कमेंट कर देना, या आप जो भी अपने ग्रुप में बात कर रहे हो करते रहना, अपने उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि ऐसी चीज़ें सबके साथ चलती रहती है, और जो सामने आती है तब उसका फ़र्क पड़ता है, बाकी मेरे को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता नहीं है कि अपने बारे में कौन क्या बोल रहा है, बोलने काम करते हैं उनके बारे में, सबके बारे में कुछ बोला ना बोला ही जाता है कुछ ना कुछ, तो उससे है वो, बाकी जो काम नहीं करता उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।